प्रश्न नंबर एक, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। प्रश्न नंबर दो, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। प्रश्न नंबर तीन, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। प्रश्न नंबर चार, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान की राजधानी एथेंस से हुई थी सन 1896 में। प्रश्न नंबर पाँच, भारत ने किस ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक हॉकी खेल में जीता है। प्रश्न नंबर छः, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। प्रश्न नंबर सात, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? इसका उत्तर होगा, ओलंपिक ध्वज में टोटल 5 गोले हैं। प्रश्न नंबर आठ, ओलंपिक ध्वज के 5 गोले किसका प्रतीक है? ओलंपिक ध्वज के 5 गोले दुनिया में बसे 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। प्रश्न नंबर नौ, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग किस वर्ष लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग सन 1900 में लिया था। प्रश्न नंबर 10, ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला करणम मल्लेश्वरी थी। प्रश्न नंबर 11, ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय अभिनव बिंद्रा था। प्रश्न नंबर 12, ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फिलिप्स है, जो कि अमेरिकी तैराक है। प्रश्न नंबर 13, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इसका उत्तर होगा, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 14, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रश्न नंबर 15, प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की थी। प्रश्न नंबर 16, पशुओं को मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा, पशुओं को मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? इसका उत्तर होगा, मानव शरीर के गुर्दे से यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका उत्तर होगा, बिस्मिल्ला खां शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? और प्रश्न नंबर 20, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इन दोनों का आंसर एक ही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। प्रश्न नंबर 21, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? इसका उत्तर होगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। प्रश्न नंबर 22, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। प्रश्न नंबर 23,
स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, भारत के अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर भी यही होगा कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही था। प्रश्न नंबर 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। प्रश्न नंबर 26, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न नंबर 27, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका उत्तर होगा, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस देश के सहयोग से किया गया था। प्रश्न नंबर 28, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। प्रश्न नंबर 29, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुन्को तवेई थी, जो कि जापान की रहने वाली थी। प्रश्न नंबर 30, पीलिया होने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका उत्तर होगा, पीलिया होने पर शरीर का यकृत या लीवर अंग प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 31, पीलिया रोग शरीर में किस कमी के कारण होता है? इसका उत्तर होगा, पीलिया रोग शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होता है। 32 नंबर प्रश्न, सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन पास्कल के नियम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 33, क्लोरोफिकल का खनिज घटक क्या है? इसका उत्तर होगा, क्लोरोफिकल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। 34 नंबर प्रश्न, एलपीजी गैस में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? एलपीजी गैस में सबसे अधिक मात्रा ब्यूटेन की होती है। 35 नंबर प्रश्न, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्रश्न नंबर 36, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा, उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। प्रश्न नंबर 37, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? इस प्रश्न का उत्तर होगा, अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जो कि अशिक्षित था। प्रश्न नंबर 38, अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? अमृत शहर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास ने की थी। प्रश्न नंबर 39, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकना था। प्रश्न नंबर 40, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना सरदार सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल दोनों ने की थी। प्रश्न नंबर 41, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई थी। प्रश्न नंबर 43, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा, चीनी यात्री हेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर 44, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया था। प्रश्न नंबर 45, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है। प्रश्न नंबर 46, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 47,
मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। प्रश्न नंबर 48, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 49, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रश्न नंबर 51, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रश्न नंबर 52, प्रकाश की गति कितनी होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 53 नंबर प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्ध करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्ध करने वाला प्रथम व्यक्ति कोपरनिकस था। 54 नंबर प्रश्न, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। 55 नंबर प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। 56 नंबर प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। 57 नंबर प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 58, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 59, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 60, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 61, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 63, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन सा नारा दिया था? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 64 नंबर प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इस पंक्ति की रचना किसने की थी? इस पंक्ति की रचना बिस्मिल अजीमाबादी ने की थी, और इस कविता को राम प्रसाद बिस्मिल ने लोकप्रिय बनाया था। अक्सर बहुत से स्टूडेंट इस प्रश्न को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए ध्यान रखना, इस पंक्ति की रचना बिस्मिल अजीमाबादी ने की थी, और इसको जो लोकप्रिय बनाया था वो राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। प्रश्न नंबर 65, महात्मा गांधी ने कौन कौन सा नारा दिया था? महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया था, भारत छोड़ो का और करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 66, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 67 नंबर प्रश्न, सती प्रथा का अंत करने में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? सती प्रथा का अंत करने में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया था। 68 नंबर प्रश्न, सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया था? सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने प्रतिबंधित किया था, और यह ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 69 नंबर प्रश्न, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। 70 नंबर प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। 71 नंबर प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है।
72 नंबर प्रश्न, भारतीय सेना का सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारतीय सेना का सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। प्रश्न नंबर 73, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। 74 नंबर प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। 74 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 76 नंबर प्रश्न, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलोर के कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 77, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, जो कि रूस के रहने वाले थे। 79 नंबर प्रश्न, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था और इसे 1975 में छोड़ा गया था। 80 नंबर प्रश्न, इसरो भारतीय अनुसंधान संगठन का गठन कब किया गया था? इसरो भारतीय अनुसंधान संगठन का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। 81 नंबर प्रश्न, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। 82 नंबर प्रश्न, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इसका उत्तर होगा अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। 83 नंबर प्रश्न, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। 84 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। प्रश्न नंबर 85, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। 86 नंबर प्रश्न, दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिका महासागर है। 87 नंबर प्रश्न, चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा रेनमिनबी या युआन मुद्रा है। चीन की मुद्रा को रेनमिनबी के नाम से भी जाना जाता है और युआन के नाम से भी जाना जाता है। 88 नंबर प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। 89 नंबर प्रश्न, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट थे। 90 नंबर प्रश्न, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 91 नंबर प्रश्न, किसके जन्म दिवस को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मई को हेनरी डुनेंट के जन्म दिवस को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 92 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 93 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। 94 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। 95 नंबर प्रश्न, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। 96 नंबर प्रश्न, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क या दक्षेस का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। 97 नंबर प्रश्न, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क या दक्षेस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क या दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। 98 नंबर प्रश्न, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से
एनीमिया रोग होता है। 96 नंबर प्रश्न, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार किसने बनवाया था? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। 100 नंबर प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे।